हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये गंदा वाला था, मैं अच्छा वाला करती हूँ। नहीं, ये अच्छा था, ये रियल था। तो ये वीडियो होने वाला है मोक्षा डे 2 का, क्योंकि हमने बाद में उसके क्लिप्स देखे एंड द वीडियो इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेबल, सो हमने सोचा था कि विल मेक इट स्टोरी टाइम काइंड ऑफ अ वीडियो। सो अभी तो आई नो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हूँ, क्योंकि हम एक दो दिन से ऐसा कर रहे थे, सुबह 5-6 बजे सो रहे थे और फिर मैं सुबह ऑफिस ज्वाइन कर ली थी, तो हम 8-9 के अराउंड उठ जा रहे थे। और मोक्षा में भी हम लोग लेट नाइट तक आते थे, और सुबह उठ के मुझे पता नहीं था मुझे एक टीम मेंबर से कनेक्ट करना पड़ जाएगा। तो आई थिंक इसमें इतना कुछ नहीं है देखने लायक, बट द मेन थिंग इज दैट इसके बाद क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स को, मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे एनएसआईटी, सो मैं उनको एंट्री करवाने के लिए मैं नॉर्थ गेट पे गई एंड वहाँ पे उनको नहीं एंट्री में बहुत कुछ हुआ, उनको खुद से नहीं एंट्री मिल रही थी। तो गार्ड में एक पार्ट और, मैम ने जितना अच्छे से अपना आपको रेडी किया था ना, 2 घंटे लगाए थे, वो सारा 2 घंटे ऐसे वेस्ट हुआ था। ओ माय, देन उसके बाद क्या हुआ, मैं उनको गेट पे लेने गई एंट्री के लिए, बट गार्ड ने मेरे को मना कर दिया कि यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती है। तो मैंने एक होशियारी दिखाई कि मैं खुद बाहर, क्योंकि गार्ड ने बोला था आप ऐसा करो, साउथ नहीं होशियार पर बनती है यार ये। फिर मैं साउथ गेट पे चली गई कि वहाँ पे बाहर देख के मेरे को एंट्री दे देगी, पर साउथ गेट पे ये हाल था, मतलब ये वीडियोस मेरे को बाद में मेरी फ्रेंड ने भेजी थी, मतलब साउथ गेट के मेन, मतलब गेट तक पहुंचने में हमें बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लिटरली बहुत रश था बाहर, मतलब इतनी भीड़ थी ना कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ होगी बाहर। इन्होंने ओपन इनविटेशन रख दिया, वो गलत थी, और प्लस 2 साल बाद फेस्ट हो रहा है कोविड के बाद, तो सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि सारे ही आ गए यार। 6 कॉलेजेस के बच्चे आए थे, 6 कॉलेजेस ज्यादा ही, वो तो काउंट, वही हमें गेट तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लग गया, और गेट तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, हमें बहुत पीपीपीपीपी मिल लिया और हमने भी बहुत पीपीपीपी। तो फिर एंड में एक तो मतलब बाहर के जो बच्चे आए थे उनको लाइक पता नहीं था कि अंदर स्टाफ क्वार्टर्स भी है, तो मैं एक्सक्यूज मी करके जा रही थी, दे वर लाइक तू कैसे नहीं आती लोगों को, फिर वो कहते तू कैसे आगे जा रही है, अगर हम पीछे है तो आप कैसे आगे, आप तो नहीं बोला था कि तुम कैसे आगे जा रहे हो, पीछे आओ, मेरे को धक्का भी दे रहे थे कि तुम कैसे आगे निकल गए। फिर मैंने कहा मेरा घर है अंदर, मुझे घर में जाना है, दे वर लाइक हाँ हमारा भी घर है, वो मजाक में ले रहे थे बिकॉज दे वर नॉट अवेयर, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में नहीं होते ऐसे स्टाफ क्वार्टर। फिर मैम आई अपने रूप में, फिर मैम के अंदर की कोकिला बेंच जाग गई, हे भगवान। नहीं फिर हम बड़ी मुश्किल से, नहीं सिक्योरिटी में जितने भी बच्चे थे, एक तो पहली बात वो सुन ही नहीं रहे थे, तो मैंने उनको बोला गार्ड को बुला दे, गार्ड पहचान जाएगा तो मैं एंट्री करवा देगा, उन्होंने गार्ड को नहीं बुलाया। फिर एक कोई महान इंसान जो प्यारा सा बच्चा था उसने गार्ड को बुला लिया और फिर गार्ड अंकल ने पहचान लिया। क्या बोला था ये, मैम ने बोला था नहीं राम राम मैं ऐसा नहीं करती, बहुत शरीफ बच्चे हैं गाइस, पता चलेगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि गार्ड अंकल ने मेरे को पहचान लिया एंड ही इज लाइक पुलिंग मैन, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा और कर रहे थे, तो बच्चे मेरे को पीछे खींच रहे कि इसको कैसे अंदर जाने दे रहे हो भाई, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि इसको कैसे एंट्री मिल रही है, तब हमें नहीं मिल रही। खैर उसके बाद हम घर आ गए, उस टाइम ये हो रहा था कि बस हम अंदर चले जाए, बस हम अंदर एंट्री हो जाए, अब बच्चे कैसे कहीं कहीं से कूद कूद के भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी हैं। एंड देखिए इतनी ज्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, फिर उसके बाद बच्चे ऐसे, ये वाला सीन था, और जो आप बैरियर्स देख रहे हैं इस पे बच्चे कूदे भी हैं, चोट भी लगी है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे किसी की एक साइकिल थी, बच्चों ने उस पे साइकिल पे चढ़ चढ़ के दीवार कूदने की कोशिश करी है, ये देखो यहाँ पे साइकिल का तो नाम नाम सत्य हो गया, इतनी भीड़ थी, ये सिर्फ दिन का है और रात में इसका डबल था, आप ही लगा सकते हैं। और मैं उस टाइम फिर अपने घर वापस आ गई, मुझे विभा मिल गई थी, तो तब ये ग्राउंड में ये सब चल रहा था वहाँ पर उस टाइम पे। फिर मैं विभा से मिल ली, हम रेडी हुए, फिर मुझे पता चल गया था मेरे फ्रेंड्स की भी एंट्री हो गई है, उन्होंने बाद में सबके लिए गेट ओपन कर दिए थे। तो फिर आपने देख ली होगी जब मैम का वो वाला और कितनी भीड़ थी, आई थिंक ये तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे 10,000 प्लस बच्चे थे, मतलब उस दिन जिस दिन सेकंड डे था, हम उस दिन के बता खुद से काउंट बना रहे हैं, नहीं मैं आइडिया लगा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कन्फर्म डेट, आइडिया लगा रहा हूँ। बहुत फिर हम यहाँ पे नेहा का वेट कर रहे थे, नेहा का फ्रेंड आने वाला था, लेकिन वहाँ पे उस दिन यार फोन भी नहीं मिल रहे थे किसी के, नेटवर्क जाम थे। इवन ये जब बाहर थी हम लोगों को टेंशन भी हो गई थी, जब इन्होंने बताया था कि हम गेट के बाहर जा चुकी हैं, हम इनका फोन नहीं मिल रहा था, इवन और फोन किसी का भी नहीं मिल रहा था, किसी का नहीं मिल रहा था हमें, मतलब शाम को भी अपने दोस्तों से मिलने में इतना टाइम इसी वजह से लगे क्योंकि किसी के फोन ही नहीं मिल रहे थे हमें वहाँ पर। और फिर बाद में ये सारी नॉर्मल क्लिप्स ही है, आई थिंक इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप केकी की आवाज इंजॉय कर सकते हो, उसके गाने प्यारे प्यारे, मैंने गाने कोई भी नहीं हटाए, मैंने सारे रखे हैं। आशियाना मेरा साथ तेरे है, ना ढूंढते तेरी गली, मुझको घर में आ, तू जो मेरा हो गया मैं पागल,
यार मोस्टली सारे स्लो सॉन्ग्स ही थे, लेकिन तब केके का खत्म हो गया था कॉन्सर्ट, उसके बाद उन्होंने डांस वाले भी दो तीन बजा दिए थे, तो उस पर भी उन्होंने डांस किया, तो वो वाली वीडियोस भी ऐड करी है। ये काफी बढ़िया लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू। बस कभी कभी करता है तारीफ ले लेते हैं। नहीं नहीं, इस लायक तारीफ के लिए क्या करें। आई थिंक सेकेंड डे के लिए इतना ही काफी है, बाकी थर्ड डे पे बहुत मजा आया था। एंड मतलब वो बहुत चिल काइंड ऑफ डे था थर्ड डे, उस दिन मैंने ज्यादा एंजॉय किया। मैंने भी किया क्योंकि उस दिन गाने अच्छे बज रहे थे, मैं पूरे दिन मेरा तीन दिन यही था यार गाने चला दो गाने चला दो गाने चला दो। थर्ड डे अच्छा लगा काफी, मतलब चिल काइंड ऑफ डे था क्योंकि गाने बज रहे थे एंड भीड़ नहीं थी मेन चीज, क्योंकि सेकेंड डे सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, मतलब लोग ग्राउंड में जा ही नहीं रहे थे, आधे बच्चे तो बाहर इधर उधर थे कि ग्राउंड में, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छा गाना बजा बच्चे दो कदम उछले और पूरे में धूल 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 वो गाना चले का चारों तरफ राख और धुआई धूल, जो मूवी के स्टार्टिंग में चलता है। प्लीज डू लाइक शेयर करो और अपने कमेंट्स नहीं देता ये करो चलो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिलो। आई थिंक दिल्ली में बहुत बहुत दिल्ली के मोस्ट ऐसा लगता है दिल्ली का पूरा क्राउड उस दिन एनएसआईटी में आ गया। अगर आप भी थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।